संडे है, अरे मछली बनाएंगे, क्या करेंगे बैठे बैठे जी। मछली का मेन झंझट होता है इसको फ्राई करना। फ्राई कर दिए, मछली बनकर रेडी हो गया। कच्चा तेल में डाल देगा ना मछली, तो वही मछली टूट जाता है। खाली गाड़ी में बड़ी बड़ी बात बोलने से ना बड़ा ड्राइवर नहीं बनता है, समझे। जब तक उसका उस्ताद नहीं बोलेगा ना अच्छा ड्राइवर है, जब तक मालिक गाड़ी नहीं देता है। बहुत सुंदर जिंदा मछली ना, बहुत ही सुंदर बनता है। वहाँ पानी नहीं मिला वो नहाने के लिए, चार दिन आया हो गया। ड्राइवर का नौकरी भाई करना सबकी बस की बात नहीं भैया, बहुत सारी तकलीफ है। और अपने इंडिया में ड्राइवर भाई लोग घुट घुट के मरते हैं, समझे। तबर भी भाई लोग सब से भी आप सभी भाइयों को हमारे नुकल में फिर से स्वागत है। और आपका भाई है धूलागढ़ में, पार्किंग में हूँ। कंपनी में गाड़ी नहीं बुलाया क्योंकि कंपनी में जगह है नहीं। आज हो गया 3 दिन गाड़ी को लोड नहीं कर रहा है, गाड़ी बुला लिया है, लगता है उसका बाप का गाड़ी है, खड़ा कर दिया है कंपनी वाला लोग। इतना इसलिए बोलता है गाड़ी वाला लोग कोई नहीं सुनने वाला जी, ड्राइवर भाई लोग का, समझे। गाड़ी मंगा लेगा, खड़ा कर देगा, कोई इसका जिम्मेवारी नहीं है किसी का। चलिए चलते है, पहले आते हैं कंपनी में से पूछ के क्या उसका मन में लूट करेगा कि नहीं करेगा। और उधर से ही एक मोड़ पे ना मच्छी उच्छी बेचते हैं, तो मच्छी अच्छा हो ना तो मछली आज बनाएंगे। संडे है अरे मछली बनाएंगे, क्या करेंगे बैठे बैठे जी। और ज्यादा टेंशन लेंगे ना तो गाड़ी घोड़ा लाइन है, ज्यादा टेंशन लेंगे तो दिमाग हो जाएगा, पगला जाएगा, समझे। तो गाड़ी घोड़ा में सब होते रहता है। रोहू मछली लिया हूँ जिंदा, 220 रुपए किलो दिया है। इसको भी पहले इटली खा लेते, इटली वाले घूम घूम के बेच रहे थे, हाथ में ना तो कमंडल टांग के हाथ से उठा कर वो बाल्टी बेचते हैं घूम घूम कर। प्याज भी आज डालेंगे मछली में, प्याज तो इसमें डालता नहीं हूँ भाई, आज डालते हैं। प्याज मिर्ची लहसुन सब रेडी कर दिया हूँ, अब धोते हैं मछली को। आज आपका भाई मछली करी बनाएंगे बिहारी स्टाइल में, गांव घर के स्टाइल में। पीला वाला सरसों है, इससे ना डालने से मछली में स्वाद बढ़ जाता है। तो बंगाल में जिंदा मछली मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर ना पोखर तालाब बहुत है, तो यहाँ पर मछली का पालन अच्छा होता है। देखिए चलो इसको साफ से धोते हैं, फिर धो के इसको अच्छा से बनाते हैं फ्राई करके। इसमें चावल चढ़ा दिया हूँ। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। सब सामान रेडी कर लिया हूँ, मछली को आप बनाने के स्टार्ट करते हैं। विधि तेल कहाँ है, बैठे बैठे ना दिमाग खराब हो गया है। दूर रखते हैं तो जले ना, उड़ेगा बहुत है। हल्दी नमक डाल दिया हूँ, मिला दिया हूँ, इसको लाल करके अच्छा से फ्राई करते हैं। देखते आँख से पानी चुका जी, तेल बहुत झंस रहा है। डालते हैं इसमें मछली को, देखिए कैसे भी तेल सब उड़ेगा। तो मछली का मेन है इसको फ्राई करना, समझे। फ्राई करने में ना कितना दिन हाथ पर जल जाता है, आपका भाई का हाथ पर जला नहीं है, बहुत हिसाब से मैं बनाता हूँ। ये सब को लाल हो गया है, इसको उलटते हैं, पलटी मारते हैं। देखिए एक भी मछली नहीं टूटेगा, वो बनेगा मतलब मालूम होना चाहिए कैसे बनाना है। और देखिए आपका भाई एक कूट लिया हूँ सरसों पेस्ट, जो कूटने में ना बहुत ज्यादा परेशानी जी गिलास में, समझे। तो 5-10 मिनट इसको लगता है कूटने में, मारते रहिए तभी में ही होता है। सरसों है ना उछलता है, कच्चा तेल में डालेगा ना मछली, तो वही मछली टूट जाता है। तो पूरा तेल को पूरा, जब तक तेल में से धुआं नहीं निकले ना, जब तक मछली डालिएगा नहीं।
अब थोड़ा फुल फ्लेम पे मछली को पकाइएगा, तो मछली नीचे थर लेता है। देखिए मस्त फ्राई कर दिया हूँ, और अगली बार मछली बनाएंगे ना नया स्टाइल से बनाएंगे, ठीक है। इस बार ये सब फ्राई करके बहुत बना लिए, अब नया स्टाइल में बनाएंगे अगली बार। मुंडी इसे ढांग देते हैं, उड़ेगा नहीं, मेरे दर में नहीं पड़ेगा, समझे, जो हाथ पर जल जाता है। चलिए इसमें अब डालते हैं सरसों सौसा वाला। बहुत उड़ता है जी, देखिए कितना उड़ रहा है। देखिए प्याज काट दिया हूँ, कुटा गया है। इसमें जीरा गुड़ के सब मैं कूट दिया हूँ, मिर्ची, और इसमें देखिए सरसों का, सरसों आपका भाई मैं से कूट लिया हूँ। इसको मिलाकर इसमें डालते हैं ग्लास में, इसमें सब मसाला मिक्स हो गया, हल्दी भी खत्म हो गया है, लेना होगा। चलिए प्याज देखिए, प्याज लाल हो गया है, इसमें डालते हैं मसाला सब जो इसमें मिलाया हूँ। इसमें सब मसाला मिक्स है, प्याज मिर्ची लहसुन आदि, और क्या जीरा गुलकी और सरसों का, सरसों का एक कूटा हुआ पेस्ट। देखिए गया मसाला, देखिए लड़ो, इसको अच्छा से मसाला को फ्राई करते हैं। टमाटर तो काट लिए है, और धनिया को काटते हैं, लास्ट में धनिया डालेंगे। और भाई लो मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ ना, ये होता है ना, आपको हर एक फील्ड में आपको टांग अड़ाने वाला मिल जाएगा, समझे, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा कौन करता है जिनको पास काम नहीं है, दूसरों को देख के जलता है रहता है, वो क्या कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे, वही आदमी सब काम करते रहता है, समझे। तो आपका भाई 18-19 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 12 साल की उम्र से मैं काम करने लगे थे, बाहर निकल गए थे काम करने के लिए, घर के हालत देखकर। तो मैं देखते आ रहा हूँ, ऊंचा नीचा मैं बहुत सारा देखा हूँ। तो लोगों को लगता है ना ड्राइवर है तो बुद्धि अकल नहीं है, ऐसी बकबक करते रहता है। एक बार मैं बड़े यूट्यूबर भैया के नाम ले लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो लड़का इतना दिन से गाड़ी में रहा 3-4 साल, वो लड़का फर्स्ट ही नहीं कर पाया, तो मुझे, क्योंकि ड्राइवर का बात वो समझेगा जो बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा जी, तो हम लोग ड्राइवर है। तो आपका भाई 1 साल के अंदर में मैं फस्ती कर लिए थे, जो लड़का 3-4 साल गाड़ी में रहा वो फस्ती नहीं किया। गुरु का काम क्या होता है, गाड़ी सिखाना, उसको लाइसेंस बनवाना और उसको फस्ती दिलवाना, समझे। क्योंकि नया नया आप ड्राइवर बनते हैं तो आपको ना कोई गाड़ी नहीं देता है, तो मालिक सब डरता है कैसा ड्राइवर है कैसा चलाता है, जब तक उसका उस्ताद नहीं बोलेगा ना अच्छा ड्राइवर है, जब तक मालिक गाड़ी नहीं देता है, समझे। जो ड्राइवर भाई होंगे वही बात को समझेंगे। वाओ, मन बहुत दुखी हुआ जी, पता ही अभी 12:30 बजे अभी तक कुछ खबर नहीं है, गाड़ी क्यों मंगा, अभी जाते खाओगे फिर जाते हैं कंपनी में खाना खा कर, पूछते हैं भाई गाड़ी क्यों मंगाया, लोड नहीं करना था। तो चलिए डालते हैं पानी, ये माथा वगैरह दही हो रखा है स्टेशन में। देखिए डालते हैं धनिया पत्ता, देखिए यह धनिया पत्ता, लास्ट में चावल निकाले, अब खाते हैं जी। अभी टाइम बज गया है 1:20, खाना खा गए जाएंगे 2 बजे जाएंगे, तो अभी सब लंच किया होंगे, अभी सब रेस्ट में होंगे, जाएंगे 2 बजे। अब पूछते हैं क्या मन में, लोड करेगा कि नहीं करेगा, साफ साफ बोल दो भाई, क्योंकि भाई 3 दिन हो गया बैठे बैठे, माथा के एकदम दिमाग की खोपड़ी हो गया है। देखिए केशव का भाई बनाया है मछली, मस्त है ना। वाओ, क्या बना है जी, बहुत सुंदर। भाई भाई कमेंट कर रहे थे बहुत दिन से, भैया मछली बनाइए, मछली बनाइए, अच्छा से बनाइए रेसिपी। तो भाई की डिमांड के बाद आपका भाई मछली बनाए है, समझे।
चलेंगे 2 बजे, अब पूछते हैं क्या है, लोड करेगा कि नहीं करेगा। पूछ की बहुत आ रहा जी, कौन नाम ले रहा है? 5 बज गया जी, अभी तक गाड़ी का कोई लोडिंग शूटिंग का अता पता नहीं है। चलते हैं कंपनी में, यहाँ से कंपनी है थोड़ा दूर है, चलते हैं पहले पता जी, देखते हैं यहाँ गाड़ी खड़ा कर रखा है कहाँ पर। और शाम हो गया, अब देखिए मच्छर पूरा, मच्छर आके पूरा नोचेगा अभी। चलते हैं कंपनी में, गाड़ी सब पार्किंग में लगा हुआ है। अब कॉल किया ट्रांसपोर्ट में, वो कॉल नहीं उठाया है, संडे है, सब हलवा टाइट करवा रहा है। चलते कंपनी में जाके पूछते हैं क्या लफड़ा है, मालूम है कि लोड लोड करेगा कि नहीं। यही कंपनी है कैपकॉन, अरे छोड़ा सब, यही कंपनी है। वाह, आज संडे का बंद कर लेगा? ओ घर साहब खोलिए। लो भैया आगे कंपनी में, कंपनी में कोई आदमी ही नहीं है, ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में कोई नहीं, तो सब छुट्टी पे, संडे है ना। देखिए यही सब माल लोड होगा अपना गाड़ी में, यही होगा। देखिए ये तो भारी माल है जी, ये जाएगा, ये माल में भी लफड़ा है जी। वहाँ पानी नहीं मिला, वो नहाने के लिए चार दिन आया हो गया, अंदर उठा दीजिए, इधर आएगा नहाने के लिए, इधर वहाँ से यहाँ आएंगे दूर बाल्टी लेकर। यहाँ कोई नहीं है कंपनी में, सब बंद, सब कोई नहीं है। आप क्यों अभी छुट्टी मार देते? हम लोग का छुट्टी नहीं है, गार्ड का कभी छुट्टी नहीं होता। हम भी काम किए गार्ड का, दिल्ली में 1 साल किए थे, छुट्टी नहीं है, नहीं होता है, मालूम है गार्ड का काम छुट्टी नहीं होता है। चलिए क्या कीजिएगा, कोई नहीं साहब, तो 3 दिन हो गया, पता है जी गाड़ी बुला कर लूटी कर रहा है। माल रेडी नहीं है मेरा, माल रेडी नहीं था, कल हो जाएगा। चलिए कंपनी में कोई नहीं तो क्या कर सकते जी, इनका गलती थोड़ी है गार्ड साहब, ये तो अपना काम कर रहे हैं साहब, तो तब उनको बात करते गाड़ी क्यों मंगवाया, इनको हम क्या बोले बेचारा को, ये तो ऐसे मजबूर है। चलिए चलते गाड़ी में, माथा तो खराब हो ही गया है। इस एरिया में ना जी बड़ा मच्छर है जी, मेरा ग्रेस से भी बेसिया मच्छर है, इतना मच्छर बता। देखिए अभी सब घूम रहा है, अभी मोटिंग जलाया है तो वो भागा है, अभी ये सब नुका नुका अंदर छुप जाता है। चलिए रोटी बनाते हैं, गाड़ी में बहुत सारा कष्ट है जी, बहुत झमेला है, क्या कीजिएगा। गाड़ी मंगा लिया है, लोड नहीं कर रहा है, अभी तक गाड़ी कहाँ कहाँ चला जाता समझे, क्या कीजिए, गाड़ी घोड़ा लाइन है, कभी काल ऐसा हो जाता है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गया, हम वफा करके भी तन्हा रह गया। दिल के अरमां आंसुओं में बह गया, हम तो रोटी बेल रहे हैं का करे, नहीं बेलेंगे तो भूखे रह जाएंगे। पहले आपका भाई ना गाना आपका भाई बहुत गाते थे। हेलो हेलो, आपका भाई खाना बना लिए, और अभी टाइम 9 बज गया है, तो अभी आपका भाई का नहाया हुआ 4 दिन हो गया जी, नहाए नहीं, सोचे कंपनी में, अब कंपनी में नल सब लगा हुआ नहाने का, बाकी यहाँ से कंपनी है बहुत दूर, तो क्या करे, अभी गए ना उधर घूमने, एक जगह नहाने का देखा हूँ नल लगा हुआ है, तो वहीं पर जाकर सुबह सुबह नहा लेंगे। यही भैया गाड़ी लाइन है समझे, तो बहुत सारी आपको दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा समझे, तो चलिए क्या कीजिएगा, 12 साल से झेल रहे हैं। चलिए खाते हैं, ये देखिए मछली बचा हुआ है जो सुबह बनाए थे ना, मछली रोटी खाते हैं, खाओगे सोते हैं। चलिए क्या कीजिएगा, काम तो करना पड़ेगा, मच्छर नोच रहा है, देखिए अभी तो मच्छर भाग गया है, खाना बना है ना, सब भाग गया है, अभी देखिए सब आएगा, अभी आस्ते आस्ते देखिए आने लगा है। चलिए बोलो करते ब्लॉग के एंड, मिलता बोलो से नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और भाई को पढ़िए प्यार बनाए रखिए, हम भाई को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू भाई लोग, गुड नाइट।